Hey yo, what is up, Abhyasam? It's over Santanu and you're watching right over Santanu. तो अभी हो रहा है दिन के 1:13 और अपनी बीस्ट बहुत ज़्यादा गंदा हो गई थी, बहुत गंदगी भर गया इसमें। तो बहुत जगह यूट्यूब वगैरह पे देख रहा था फोम बास हर जगह फोम बास। तो मैं भी सोचा फोम बास कराता हूँ बाइक का, और पता किया कि सीतामढ़ी में कहाँ होता है, तो पता चला सीतामढ़ी में है राजोपट्टी, वहाँ पे होता है फोम बास। तो अभी जा रहे हैं अपन वहाँ पे। तो अभी पहुँच गए अपन फोम बास वाले जगह पे जहाँ पे फोम बास होता है, और लग चुकी है वहाँ पे अपनी बीच भुक्तो की, तुम लोगों को दिख रहा हो ये देखो, यहाँ लग चुकी है और प्रोसेस स्टार्ट है फोम बास होने का। बाकी और भी बाइक्स हैं उनकी हो रही है, देन इसको धुला जाएगा। तो वेट करो तब तक फटाफट से जब तक वहाँ तक आता है। तो फाइनली आ गया अपने बाइक का भी टाइम, भैया पानी मारेंगे बाइक पे, देन उसके बाद ये देखो यार फोम बास का बहुत ज़्यादा फोम रहता है, इसलिए फोम बास से स्क्रैचेस नहीं आएंगे आपके बाइक पे, ये एक बेनिफिट है फोम बास का। तो अगर आप लोगों के नियरेस्ट हो फोम बास तो फोम बास ही कराओ, और अभी से मैं भी हमेशा फोम बास ही कराऊँगा, क्योंकि फोम बास से स्क्रैचेस नहीं आते और नॉर्मल बास में उसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं थोड़े बहुत बाइक पे। अभी जब तक बाइक धुल रहा है तब तक देखो तुम लोग वीडियो, एंजॉय करो, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके उधर फोम बास का कितना चार्ज करते हैं। और यहाँ पे अभी हो जाता है, फिर एंड में बताऊंगा कि कितना चार्ज किया इन्होंने यहाँ पे फोम बास का। तो अभी आ गया अपने बाइक का भी टाइम, तो ये देखो अगर सीतामढ़ी से कोई है तो सीतामढ़ी में ये राजोपट्टी में है थ्री व्हीलर, इसमें आप आके फोम बास करा सकते हो। बाकी सीतामढ़ी के जितने भी हैं उन लोगों के लिए अगर आए हो यहाँ पे तो कमेंट में ज़रूर बताना आए हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा क्या रहा। भैया पूरा बारीकी से मार रहे हैं एक एक गैप पे, और पूरा एलॉय व्हील वगैरह सबको क्लीन करते हैं बढ़िया से। तो इसकी जितनी भी गंदगी रहेगी, जितना भी डर्ट रहेगा, सब क्लियर हो जाएगा अभी ये कपड़ा मारने से। देखो गाइज यही होता है फोम बास का फायदा, देखो कितना ज़्यादा झाग बन रहा है। और फोम बास से मे भी हल्का तो लाइट भी इंक्रीज हो जाता है। भैया इसका एलॉय व्हील भी साफ कर दीजिएगा, एलॉय वगैरह भी साफ कीजिएगा। तो यही होता है, और देख लो ये वही भैया हैं जो सर्विसिंग के टाइम पे गए थे और बाइक झुका रहे थे, वही भैया वापस इधर भी झुका रहे हैं। ये बस झुकाने का काम करते हैं, वापस झुको ना, क्लच पकड़ के इस बार झुकाना, इस बार पीछे साइड का उठाना है, पीछे का उठाना है, उठा तू झुका बता रहे ये ले। तो हो गया पूरा एलॉय व्हील वगैरह क्लीन। ये देखो बाइक कितना साइन कर रहा है अभी, यही सब कुछ एडवांटेजेस है फोम बास के, होप सो कि समझ गए हो आप लोग।
गया, अभी फोम वॉश वगैरह पूरा बाइक वॉश हो गया। देखो कितना साइन दे रहा बाइक, तो फटाफट से इसको बाहर निकलवाते हैं। सीतामढ़ी में यही तो एक जगह है ना फोम वॉश का। सो सीतामढ़ी से अगर कोई आप लोकल एरिया से हैं तो राजोपट्टी में विजिट कर सकते हैं, थ्री व्हीलर्स ऑटो के नाम से यहाँ पे शॉप है। बाकी अगर कोई लोग आए हुए हैं तो बताओ, यहाँ से बाहर से दिखा देता हूँ शॉप, अगर कोई आना चाहो तो आ सकते हो। देखो इसके सीधा सामने सीजन कलेक्शन करके एक है शॉप, देन ये रहा थ्री व्हील्स अलाइनमेंट एंड कार वॉश, यहीं पे होता है पूरा वॉश, बहुत बड़ा सा है ये। और अभी धुलने के बाद ये ड्राई होने के लिए धूप में लगाया गया है। फुल्ली ये लोग माइक्रो फाइबर क्लॉथ से बाइक को ड्राई कर रहे हैं। सो यही था प्रॉपर वीडियो, होप सो कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इट्स योर बॉय शांतनु साइनिंग आउट।